हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट होम क्रिएटिविटी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही सुंदर सा DIY जो कि हम बनाएंगे पुरानी टी शर्ट और कार्डबोर्ड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड का एक पीस ले लिया है और एक पुरानी टी शर्ट ले ली है। टी शर्ट को हमें कार्डबोर्ड के हिसाब से कट करना है। जितना कि हमारा कार्डबोर्ड है उतना ही हमें टी शर्ट का कपड़ा कट करना है। उसको कट करने के बाद फिर मैंने इसको फेविकोल की हेल्प से इसको अच्छे से चिपका दिया है। चिपकाने के बाद ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। और उसके बाद मैंने एक पतले कार्डबोर्ड का पीस लिया है। पीस को मैंने ऊपर से ऐसे पील कर दिया है और उसके बाद मैंने कार्डबोर्ड पे एक लीव की शेप ड्रॉ करके उसको इस तरह से कट कर लिया है। ध्यान में रहे कि हमें यहाँ पे कुछ पत्तों को सीधी लाइन में और कुछ पत्तों को तिरछी लाइन में कट करना है, कुछ इस तरह से। ये देखिए, कुछ मैंने सीधी लाइन में कट किए हैं और कुछ मैंने तिरछी लाइन में कट किए हैं, ये देखिए। और उसके बाद मैंने एक शेप ड्रॉ की है और उसे कट कर लिया है। कट करने के बाद मैंने उसको फेविकोल की हेल्प से टी शर्ट के ऊपर चिपका दिया है। हमें ये DIY बनाने के लिए बिल्कुल भी खर्च नहीं हुआ है। सिर्फ हमें 10 रुपये की फेविकोल चाहिए और इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। कार्डबोर्ड और पुराने टी शर्ट तो हमारे पास घर में पड़ी ही रहती हैं, तो हमने यहाँ पे उसी का यूज़ किया है। बनने के बाद आप अपने आप खुद भी विश्वास नहीं कर पाओगे कि आइए आपने खुद बनाया है। ये देखिए, मैंने जो 2 शेप और छोटी छोटी कट करी थी उनको भी इसी तरह मैंने चिपका दिया है। ये देखिए कुछ इस तरह से। उसके बाद मैंने एक और पतली स्ट्रिप कट करी है, ये देखिए ऐसे, और उसको हम बीच से कट कर लेंगे क्योंकि इतनी लंबी हमें नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे रोल कर दिया है, ये देखिए। हमें इसको ऐसे आराम आराम से रोल करते जाना है और फिर हम इसे इसको ऐसे खोल देंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी। इसको भी हम यहाँ पे फेविकोल की हेल्प से चिपका देंगे, ये देखिए। दोनों को हम ऐसे आराम आराम से यहाँ पे चिपका देंगे। उसके बाद मैंने जो पत्ते कट किए थे उनको भी यहाँ पे चिपका दूंगी। और मैंने छोटे छोटे और पत्ते कट किए थे उनको भी हम यहाँ पे इस तरह से चिपका देंगे। ये देखिए, हमें दोनों तरफ इसको ऐसे चिपका देना है। और 2 पत्ते मैंने और कट किए थे, वो थोड़ी छोटी शेप में कट किए थे, उनको हम ऊपर चिपका देंगे। और जो तिरछी लाइन में पत्ते को कट किया था ना हमने, उनको थोड़ा सा हम इस तरह रोल करेंगे और फिर उसकी शेप कुछ इस तरह से आ जाएगी। और उसमें फेविकोल लगा के हम इसके यहाँ पे नीचे चिपका देंगे। ये देखिए, ऐसे हम पत्तों को चिपकाते जाएंगे। एक स्ट्रिप कट करके हम एक और रोल बनाएंगे ऐसे। इसको हम यहाँ से फेविकोल की हेल्प से जोड़ देंगे और फिर इसको यहाँ पे चिपका देंगे, ये देखिए। ऊपर के लिए भी मैंने किसी तरह की शेप बनाई है, इसको भी यहाँ चिपका दिया है। और जो बाकी के पत्ते हैं उनको हम इस तरह से रोल करेंगे और ये इस तरह की शेप में आ जाएंगे, ये देखिए। इसको भी हम फेविकोल की हेल्प से टी शर्ट के ऊपर चिपका देंगे। ऐसे कर करके बारी बारी हम सारे पत्तों को चिपका देंगे और ये हमारे पास ऐसे फूल की शेप में आ जाएगा। और नीचे भी मैंने स्ट्रिप्स काट के यहाँ पे लगा दी थी साइड में, ये देखिए। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर गोल्डन कलर किया है। आप चाहे तो यहाँ पे इसको विदाउट कलर भी रख सकते हो, तब भी ये सुंदर लगेगा। पर अगर आपके पास कलर है तो आप कर सकते हो।
ये देखिए इस तरह से पूरे पे मैं ऐसे कलर करती जाऊंगी। यकीन मानिए बड़ी मुश्किल से हमें 6 या 7 रुपए का खर्च आया है इसे बनाने में। चाहे तो आप ट्राई कर सकते हो इसे। ये देखिए आराम आराम से हम इस पे कलर करते जाएंगे। और प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। ये जो हमने फूल बनाया है इसके ऊपर भी हम ऐसे ही कलर करते जाएंगे। आप चाहे तो इसको कलरफुल भी बना सकते हैं पर ये ऐसे सिंपल अच्छा लग रहा है सिर्फ गोल्डन कलर करके। एक स्ट्रिप्स पे भी मैं इस तरह से कलर कर दूंगी। ये देखिए ये रेडी हो गया और ये देखिए इसका फाइनल लुक। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।